के लिए मैं लेके आई हूँ एक मजेदार रोजगार एप्लीकेशन। पहले फोन नंबर एंटर कीजिए और कमाइए 25 रुपया इंस्टेंटली। क्या आप ज्यादा कमाना चाहते हो? तो मेरा इनवाइट कोड यूज कीजिए और कमाए 25 रुपया। हर एक पहले साइन अप पे आप कमा सकते हो पूरा 50 रुपया पेटीएम कैश। दोस्तों के साथ शेयर करो और पाओ 5 रुपया आपके हर एक फ्रेंड से। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक को क्लिक करो और कमाओ ढेर सारा पैसा। इंस्टॉल रोजधन एप्लीकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का HP Academy में। दोस्तों आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट में चल रहा है पर लेकिन दोस्तों यहां पर डेट पर डेट मिलती जा रही है पर कोई भी फैसला नहीं आ रहा है। आप सभी परेशान हैं और हम लोग भी यहां पर इतने आप सभी को रोज़ाना अपडेट कराते रहते हैं, तो हमें भी ये लगता है कि अगर आज तो फैसला आ ही जाएगा पर लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। और आप सभी जानते हैं कि भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक अभी तक है। तो इस वीडियो में पूरा क्या हुआ आज कोर्ट में वो सारी बातें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। और अभी तक चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा भर्ती से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले लेकर आता हूँ, अपडेट कराता हूँ आप सभी को। तो यार इतना तो बनता है, और आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और नई नई अपडेट आप रोज़ाना पाइए और शिक्षा भर्ती से रिलेटेड। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की खबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम को घोषित करने पर यथास्थिति मतलब रोक याचिकाओं ने निस्तारण तक बरकरार रहेगी, और अब कोर्ट में प्रतिदिन मामले की सुनवाई होगी। और आज 3 घंटे तक सरकार के विशेष अधिवक्ता ने पक्ष रखा, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्वालिटी एजुकेशन संबंधित तमाम ऑब्जर्वेशन के सहारे क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाने के निर्णय को सही बताया। कल भी सरकार अपना पक्ष रखेगी, और इससे पहले कल की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार की ओर से पेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता से पूछा था कि क्या सरकार 7 जनवरी के शासनादेश के बगैर परीक्षा परिणाम घोषित करने को तैयार है। तो न्यायालय ने निर्देश प्राप्त कर उसी दिन जानकारी देने को कहा, लेकिन अपर अधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि सरकार से अभी तक उन्हें समुचित निर्देश नहीं मिले हैं, और पूरी बात रखने के लिए 2 दिन के लिए के समय की मांग की गई थी, और जिसके बाद न्यायालय ने यथास्थिति अगली सुनवाई तक बनाए रखने के आदेश दिए थे, और जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया। और आपको बता दें दोस्तों के जो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया, और सरकार की ओर से लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाई मार्क्स तय करने के अपने निर्णय को सही करार देते हुए कहा गया कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है, और इसके लिए क्वालिटी अध्यापकों की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा की क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई थी, और दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल अलग अलग 9 याचियों में सहायक शिक्षक भर्ती 2019 क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पर एक ही बात मैंने आपको पूरा यहाँ निर्णय एक ही है इस वीडियो में कि रोज़ाना सुनवाई होगी, और आप सभी समझ चुके होंगे इस यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया है, ठीक है। तो इस वीडियो का पूरा सार जो मैंने आपको बताया है ये है कि यहाँ पर समय मांगा गया है, और समय जो मांगा गया है जिसके बाद न्यायालय ने यथास्थिति अगली सुनवाई रखी गई है। तो अब रोज़ इसकी सुनवाई चलेगी जिससे कि इसका फैसला जल्द से जल्द आए, ठीक है। तो अब जो फैसला आएगा वो देखिए, अब यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के प्रति आएगा या फिर जो शिक्षा मित्र जो 40-45% पर आएगा, देखिए क्या होता है। इसका निर्णय जो है कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट के आधार पर होगा ऐसा है। पर यहाँ पर देखिए बात यहाँ ये है कि फैसला जो है जल्द से जल्द आए जिससे कि जो परीक्षा जो भर्ती है वो जल्द से जल्द हो, और जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और यही कहना है हमारा कि भर्ती परीक्षा जो है ऐसे झुमला ना बनने जाए कि जिससे कि अभी इलेक्शन आ जाएंगे तो फिर उसमें वो लग जाएगी, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो देखिए अब आचार संहिता लग जाएगी तो नहीं हो पाएगा, फिर तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं चलती है आचार संहिता के कारण। तो यहाँ पर आचार संहिता से पहले पहले अगर भर्ती हो जाती है तो ठीक है, तो होनी ही चाहिए, आचार संहिता से पहले ही होनी चाहिए और यही कोशिश है, इसीलिए यहाँ पर इतनी जल्दबाजी हुई और जिसके बाद आप सभी जानते हैं। पर यहाँ पर ये कोर्ट का जो निर्णय है जो फंसा हुआ है, जो याचियों का जो आप सभी देख रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। वैसे फैसला जो है आप सभी जानते हैं और आप सभी समझदार हैं इतने के फैसला जो है जिसके हित में आएगा उसके हित में अच्छा ही आएगा और सरकार और जो कोर्ट है वो सब सभी उसके बावजूद ही आएगा। तो देखते हैं क्या आता है कोर्ट का फैसला और आपसे निर्णय चाहेंगे और आप अपने कमेंट करके बताएं और आपकी राय क्या है, क्या 40-45 होनी चाहिए या फिर 60-65 होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए या फिर आप सभी जानते हैं तो क्या आपकी राय है, वो जानना ज़रूर चाहेंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।